वह जिसे चाहे फांसी पर लटका देते थे और जिसे चाहे करोड़ों की जागीर दे देते थे। जब वह न रहे, उनकी हुकूमत न रही, तो क्या जमींदार अपने आप को चाहे कितना ऊंचा क्यों न समझे, क्या ये उम्मीद रख सकते हैं कि इस मुल्क में उसी पुराने रवैये को कायम रखने की कोई गुंजाइश है? शेर शाह सूरी से लेकर आज तक इतना बड़ा परिवर्तन भूम व्यवस्था के बारे में किसी ने नहीं किया जितना कि गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में जमींदारी अबोलिशन करने के बाद उत्तर प्रदेश की भूमि व्यवस्था में हुआ और किसानों को भूमि का स्वामित्व मिला। इट टर्न्ड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द स्टेट ऑलमोस्ट अपसाइड डाउन। देयर वर लॉट ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट लार्जली अमंग मुस्लिम ताल्लुकदार्स, बट देयर वर आल्सो हिंदू ताल्लुकदार्स। सर जगदीश प्रसाद फॉर एग्जाम्पल, ही although he was a Brahmin, he was a big landowner. And Raja Hariram, said, another Hindu, but a big landowner. So the fight wasn't easy, particularly when, I remember, Begum Azaz Rasool, she was the wife of the secretary of the Muslim League in UP, Nawab Azaz Rasool. She even raised personal questions. She said, now you want to send the Nehru family's daughters for overseas education. You don't want me to do that to my children. You want to rob me of my zamindari. I mean, things of that kind, rather unpleasant. But Pantji stood his ground. Jab Uttar Pradesh mein Muslim League ke sadasyon ne, jin mein zyadatar zamindar the, ye prastav rakha ki agar Congress जमींदारी उन्मूलन के अपने उद्देश्य पर दृढ़ न रहे और हमारी जमींदारी रहने दे, तो मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। हो सकता है कुछ लोग कह सकते हैं कि शायद उससे राजनीतिक लाभ होता, लेकिन पंत जी ने उस समय भी यह निर्णय किया कि जमींदारी उन्मूलन के द्वारा ही हम उन किसानों को, जिनको हमने बहुत ज़्यादा आशाएं दिलाई हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो इस तुम्हारी स्थिति को सुधारेंगे, उनमें आशा का संचार होगा। और क्योंकि अंततोगत्व अंग्रेजों से लड़ाई हमें जनता के आधार पर लड़नी है, तो किसी खास स्वार्थों के साथ समझौता करके हमें कोई लाभ नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन का काम किया था, उसी की तरह के राजस्थान में जागीर उन्मूलन के लिए पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने काम सौंपा था कि राजस्थान में जागीरी उन्मूलन कैसे हो। हम राजस्थान के लोग उनके पास में गए और उनको सारी पृष्ठभूमि बताई। तब पंत जी ने राजस्थान के अंदर जागीरी उन्मूलन कैसे होना चाहिए इसका अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उसको पंत अवार्ड कहते हैं। पंत जी के अवार्ड के अनुसार पूरे राजस्थान के अंदर जागीरदारों को से ज़मीन लेकर के और किसानों को दे दी गई और किसानों को हक मिला। जैसा कि सभी जानते हैं, राजस्थान में आज़ादी से पहले 21-22 रियासतों के अलग अलग अपने राजस्व संबंधी खातेदारी संबंधी कानून थे और राजस्थान एक तरह से चौहरी गुलामी में बंद था। सबसे नीचे जमींदारी बिस्वेदारी, उसके ऊपर जागीरदारी, उसके ऊपर राजाशाही और उसके ऊपर आम तौर पर अंग्रेजी राज का ताना। आज़ादी के बाद में राजस्थान ने इस तमाम व्यवस्था को बदलकर एक प्रजातांत्रिक हुकूमत के तौर पर जो कदम उठाए, उन तमाम सिस्टम्स को ख़त्म करके और प्रजातांत्रिक सिस्टम लागू करने के लिए
उसमें बहुत बड़ा एक अहम भूमिका पंत जी की रही, क्योंकि मूल रूप से किसान जो खेती करता था उसको खेती का, उसके लाभ का कोई भी हक आज़ादी से पूर्व के राजस्थान में नहीं था। इसलिए विभिन्न प्रकार के जो कानून बने हुए थे, विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियां व्यवस्थाएं थी, उनको ख़त्म करके सीधा हुकूमत और काश्तकार के बीच का रिश्ता जोड़ने में जो इंटरमीजरीज थे उनको ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा काम, कहना चाहिए एक असंभव सा काम किया जाना था, और उसमें पंत जी ने इस राज्य की जो मार्गदर्शक का काम किया वो आज तक इतिहास का एक अपने आप में आलेख है। अपॉइंट दोनों को यह था कि वो व्यक्तिगत किसी से द्वेष नहीं रखते थे। इसी कारण से जो उनका विरोधी भी था वो उनके पास जाता था, वो ये मानकर जा सकता था कि वो उसके कोई फैसला इसलिए नहीं करेंगे, इसमें वो सम्मिलित है, ये सबसे बड़ा गुण होता है। इसी कारण से एक तरह से कह सकते हैं कि उनका उनके व्यक्तिगत विरोधी बन नहीं पाते थे। 1949 में पार्टीशन के बाद मुझे याद है कि यशपाल जी को कुछ दिन जाकर के अल्मोड़ा रहना पड़ा था, क्योंकि हमारी पत्रिका विप्लव निकलती थी और विप्लव से वो सहमत नहीं थे, उसकी पॉलिसी वो सहमत नहीं थे। तो एक तरह से विप्लव तो बंद किया ही, लेकिन यशपाल जी को भी लखनऊ छोड़ करके अल्मोड़ा में कुछ दिन रहना पड़ा। लेकिन ये सब तो राजनीतिक बातें थीं, जिनकी तरफ जो कुछ होता था वो तो सरकार करती ही रहती थी, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से वो पूछताछ करते थे या हमारी मदद करते थे या कोई पड़ जाती थी बात मुश्किल की तो उन समस्या को हल करते थे, उसमें वो कहीं कोताही नहीं करते थे। मैं कैबिनेट में बैठती थी तो मैं एक दोस्ताना हिसाब देखती थी, कोई अथॉरिटेरियनिज्म नहीं। ये बात और है कि अगर किसी मिनिस्टर ने कोई बात पेश की जो उनको नहीं पसंद थी तो मंजूर नहीं करते थे, बहस करते थे, और मगर अथॉरिटेरियन कभी नहीं थे। यानी वो अपने कन्विक्शन से दूसरे को कोशिश करते थे बदलने की। बहुत लोगों ने कहा कि ये समाजवादियों के खिलाफ हैं, ये वामपंथियों के खिलाफ हैं, उनके उनके बारे में कई कई हर व्यक्ति के बारे में जो बड़ी ऊंची जगह जाते हैं लोग कहते हैं कुछ ना कुछ, मगर मैंने ऐसा महसूस नहीं किया कभी। मैं ट्रेड यूनियन में काम करता था, बिजली मजदूरों की मजदूरी के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 दिसंबर 1948 को एक राज आज्ञा निकाली कि महंगाई कैसे मिलेगी, तनख्वाह मूल क्या होगी। मैंने उस पर जो मालिकों ने दिया मैंने कहा कि नहीं, तुम गलत हिसाब जोड़ रहे हो, इसका हिसाब तो ऐसा होना चाहिए। ये मेरा उनका झगड़ा चला और 1951 तक 3 साल मुकदमा लड़ने के बाद जो मैंने कहा था वो ट्राइब्यूनल ने, लेबर अपेलेट ट्राइब्यूनल ने मान लिया कि ये ठीक है, यूनियन का इंटरप्रिटेशन सही है। उसके मुताबिक लगभग कई लाख रुपया, मुझे अगर याद ठीक है तो 48 लाख रुपये से ऊपर 3 जगह पर ड्यू हो गया कंपनी पर। अब उस जमाने का 48-51 का 48 लाख आजकल का तो करोड़ों में गई बात। पंजी ने उसे मॉडिफाई करा दिया, पावर थी उनको 1/3 कर दिया। अब इसी संबंध में अब आई असेंबली खुल गई, मैंने गवर्नमेंट विरोध गवर्नमेंट को कहा कि ये किसान जो मजदूर विरोधी सरकार है, पूंजीपति पोषक सरकार है। हमारे चीफ व्हिप साहब मेरे बहुत खिलाफ थे कांग्रेस के, उन्होंने पंजी को नोट बना दिया कि इसको निकाल दिया जाए पार्टी से, इसने बेअदब बात की है। पंजी ने कहा अच्छा रख दो, 3-4 दिन बाद बह गया। अब ये प्रकरण है जिसका मैं दूर राजनीति पर क्या प्रभाव था इस चरित्र का वो बता रहा हूँ। पंजी ने बोला कहो क्या किया, सुना बहुत पत्थर फेंके तुमने हम पर। मैंने भाई पत्थर तो नहीं फेंके, सच सच मैंने बोला, आपने 48 लाख का 13 लाख कर दिया तो मैं आपकी तारीफ कैसे करता, मैं तो आप तो बता दीजिए।
बोला हाँ ठीक है, तुमने तो पत्थर बहुत फेंके, हमारा सीना चौड़ा है, तेरे हाथ कुछ मजबूत हुए। अब देखिए कांग्रेस दल के भीतर बाणी की इतनी स्वतंत्रता, और ये समझ के ट्रेड यूनियन का लीडर है, अगर ये मजदूर पक्ष की बात नहीं बोलेगा तो वहां कमजोर पड़ेगा। कहा पत्थर कितने फेंके फेंक लो, हमारा सीना चौड़ा है, पर तेरे हाथ मजबूत हो तब तो, मजबूत हुए कि नहीं, मैंने कहा गया। और फिर मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। विरोध पक्ष को कांग्रेस के भीतर पूरा उदारता के साथ स्वीकार करना, ये पंत जी को सबको साथ लेकर चलने की शक्ति का परिचय था, और उसी के कारण कांग्रेस तब तक सशक्त धारा की तरह बहती रही। दोस्ती थी दोनों में, और ऐसी दोस्ती थी कि भाई बिल्कुल एक तरफ चलते थे सामाजिक ख्यालों में, सोशलिस्ट ख्यालों में और पॉलिटिकल ख्यालों में, पंची एक तरफ, फिर भी मुमकिन था कि ऐसी दोस्ती हो जो अब नहीं हो सकती, अब लोग इस तरह की दोस्तियां नहीं कर सकते। पंडित जी तो उनको बहुत इज्जत से पेश आते थे, पंडित जी बहुत पंडित जी को मानते थे और बड़े अच्छे संपर्क थे हमेशा, बल्कि पंडित जी को जरा बैठने में दिक्कत होती थी तो कैबिनेट में जब मीटिंग होती थी तो उनके लिए खास कुर्सी रखी जाती थी जिससे आराम से वो उस पर बैठ सके, और थोड़े बहुत लेट भी आए। वैसे तो पंडित जी बड़े तनक मिजाज थे, इस बात पे कोई लेट आए नाराज हुए, लेकिन पंडित जी के आने के लिए कुछ नहीं, कहेंगे हाँ वो तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। इसमें दो मत नहीं हो सकते कि अपनी बात स्वतंत्र रूप से वो कह देते थे, लेकिन निर्णय अंत में नेता का होता था, नेहरू जी का होता था, और नेहरू जी के निर्णय के बाद फिर उसकी सारी व्यवस्था करना और किस प्रकार करना, उस निर्णय को कैसे लागू करना, ये पंडित जी का काम था। जवाहरलाल जी से उनका जो संबंध था वो इतना स्नेह स्निग्ध और इतना नजदीकी आत्मीयता में था कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने कदाचित अपने स्वतः के विचार भी जवाहरलाल जी के विचार में मिला दिए। जब पंडित जी ने खुल्लम खुल्ला ये कहा कि मेरा कोई साथ नहीं देना चाहता है, मैं यहाँ अकेला पढ़ रहा हूँ, तब पंत जी को उनकी बात माननी ही पड़ी और पंत जी यहाँ आए। मगर मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि यूपी के लोग पंत जी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे। जब यह तय हुआ कि वो सेंटर में चले जाएंगे तो हम लोगों ने तो बात का विरोध किया कि पंत जी को सेंटर में मत बनाइए, उत्तर प्रदेश में रहने दीजिए। हम विधायकों के एक बड़ी भारी मीटिंग हुई, मुझे कालिदास का एक श्लोक याद आया, मैंने उस मीटिंग में कहा भी कि कालिदास का एक श्लोक है, प्रजानाम विनयाधाना रक्षणार्थ भरणादपि सपिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतव। वास्तविक पिता तो वह है, खाली जन्म का हेतु जो होता है वह पिता नहीं है, वास्तविक पिता वह है जो प्रजा में अनुशासन स्थापित करे, उनका रक्षण करे और उनका पोषण करे। सपिता वह पिता है वास्तविक। तो मैंने कहा था अपनी मीटिंग में कि पंडित वास्तविक पिता है उत्तर प्रदेश। सभा में एक के बाद एक लगातार वक्ताओं ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की। बार बार केंद्र से आग्रह किया गया कि पंत जी को उत्तर प्रदेश में ही रहने दिया जाए, उनके चले जाने से प्रांत अनाथ हो जाएगा।
अध्यक्ष महोदय, आज यहाँ जितने भाषण मेरे दिल्ली जाने के संबंध में हुए हैं, उनको सुनने के बाद मेरे लिए कोई व्याख्यान देना बहुत कठिन हो गया है। मैं ये समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए इतनी उदारता, इतना स्नेह किसी भी सदन में नहीं रहा होगा जितना इस सदन के सदस्यों ने मुझे दिया और आज यहां प्रदर्शित भी हुआ। जो भाव मेरे लिए प्रकट किए गए हैं उनसे न केवल मुझे शांति और संतोष वरन प्रेरणा मिलना भी अनिवार्य है, और मैं उनसे प्रोत्साहित तो होऊंगा ही। जो कुछ मेरे लिए कहा गया वह स्नेह भाव से कहा गया, और भावुकता में अतियुक्ति तो हो ही जाती है। मैं यह नहीं समझता कि यहां जो अच्छे काम हुए हैं उसका श्रेय केवल मुझे है। मैं इस प्रकार की भ्रांति में कभी नहीं रहा। मैं तो यह समझता हूं कि मैं एक साधारण सा मनुष्य हूं और मुझ में कोई ऐसी विशेषता नहीं है। मैं समझता हूं कि इस धारणा ने मेरी बड़ी मदद की है, और अगर यहां कुछ अच्छे काम हुए हैं तो उसका श्रेय जनता को है।
पंत जी के एक सहपाठी श्री गोविंद बल्लभ उप्रेती ने एक संस्मरण में कहा था, बचपन से ही गोविंद का स्थान निर्णायक और अगुवा का ही रहा। स्वयं वो खेलते कम थे, लेकिन स्कूल से छुट्टी पा जाने के बाद जब लड़के हीरा डुंगरी के मैदान में फुटबॉल खेलने जाते तो गोविंद अक्सर उनके साथ होते। सभी लड़के तो कोट स्वेटर उतार कर मैदान में चले जाते, लेकिन गोविंद उनके कपड़ों के पास बैठे रहते, किसी किताब के पन्ने उलटते रहते या खेल देखते रहते। दोनों पक्षों में कभी विवाद होता तो गोविंद का निर्णय ही स्वीकार किया जाता। प्रशासन की सहज कुशलता शायद उन्हें अपने नाना पंडित बद्रीदत्त जोशी से विरासत में मिली थी। स्वयं तो कर्मशील थे ही, अपने सहकर्मियों का सहयोग भी बड़ी सहजता से पा जाते थे। कॉलेज के दिनों में भी, चाहे कुंभ के मेले के लिए हो या बनारस के कांग्रेस अधिवेशन के लिए स्वयं सेवकों का दल जुटाना हो, गोविंद हमेशा आगे रहते। कानून का उन्होंने गहन अध्ययन किया था और यह सदा उनकी कार्यकुशलता में सहायक सिद्ध हुआ। अपने वकालत के दिनों में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना तथा कुमायूं परिषद का कुशल संचालन पंत जी के कुशल प्रशासन की क्षमता का द्योतक है। अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन के अंतराल में उन्होंने बार बार अपनी इस क्षमता का परिचय दिया। सन 1925 में जब वे संयुक्त प्रांत की काउंसिल के निर्वाचित सदस्य थे, उन्होंने ली कमीशन की रिपोर्ट पर बहस करते हुए कहा था, सर, द लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, द लॉज ऑफ फाइनेंस आर इनएक्सोरेबल एंड नो गवर्नमेंट हाउएवर माइटी कैन सक्सेसफुली डिफाई देम। द लॉज ऑफ एथिक्स आर इवन सुपीरियर टू दैट। वी क्लेम टू बी इन आवर कंट्री what others are in theirs. We are thankful to the services for all that they have done for us. And at this stage, I do not want to enter into this question in a spirit of carping criticism. I am even prepared to express my gratitude to them. But what I do want to put forward with all the earnestness and humility at my command is that India, situated as it is, can no longer afford to engage for its public services men from abroad. Firstly, there is the constitutional question. Secondly, the economic conditions do not in any way permit it. And thirdly, because there is the goal of responsible government before us, it is out of the question to man our services with foreign recruits or the Secretary of State to control them and regulate them from a place 4,000 miles away from the shores of India. As long as the services were there to govern, rule and control, there was a motive for them. There was a stimulus for them. And we, being prepared to be governed and ruled, were there to obey their dictates. But I feel that stage is gone and gone forever. Our manhood does not permit it. Our sense of self-respect will not ask us to submit to it. Panji was recognized as one of the ablest administrators in the country. It was indeed a surprise to the British that the lawbreakers could become good lawmakers and would also be able to maintain and sustain the rule of law. Many reforms that took place during the first Congress administration were due to the initiative which Panji took. I think the great strength of Panji lay in the fact that he had knowledge of law, he had knowledge of the systems of administration, and he used to keep himself very well informed about the facts. Not only did he depend on the official channels for his facts, but he used to remain in contact with a large section of the people, not only MLAs,
but also leaders from the various districts. And he used to be fully aware as to what is happening where. And therefore, he could draw his own conclusions as to where the truth lay. If any officer tried to bluff him, naturally he'll be caught. The special mark of his administration, to my mind, was the human touch he gave to administration. It used to be said that Panthji was one chief minister and the chief minister of the largest, most populous state in India, who knew every district magistrate in the state by name. There were, if I remember correctly, 48 districts in UP at that time. And it was remarkable how the chief minister could remember the names of every single district magistrate. Not only that, he remembered in many cases the names of the family members of the district magistrates. मैं ये समझता हूँ कि उनके प्रशासन की प्रणाली में एक फिलसफा था, एक दर्शन था और एक सिस्टम था जो आज नहीं है या जिसकी आज कमी दिखाई देती है. जैसे उनकी आत्मीयता, शासन के अंगों की पुर्जों का प्रयोग किस प्रकार किस स्थान पर किया जाना चाहिए वो जानते थे और वो जहाँ दंड भी दे सकते थे आत्मीयता ममता के साथ साथ वो दृढ़ता भी दिखाते थे. मुझे याद है जब मैं रायबरेली में डिप्टी कमिश्नर था तो मेरे साथ थे कप्तान पुलिस थे जो कि बहुत ही विशेष प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व के दामाद थे और पंत जी उनको बड़ा प्यार भी करते थे. पंत जी रायबरेली में एक छोटा सा हवाई अड्डा है जिसमें पंत जी उतरे और मैंने उनसे कहा कप्तान पुलिस से चलिए पंतिया आए हैं. वो जल्दी में कमीज और पतलून पहन करके चले गए. पंत जी जहाँ कानून कायदे के मुताबिक और उसके अंदर काम करते थे वहाँ वो प्रतिष्ठा और परंपरा को भी स्थान देते थे. तो जब पहुँचे तो मैंने उनका दरवाज़ा खोल के जहाज़ का स्वागत किया तो उन्होंने देखा कप्तान पुलिस की तरफ और उनकी तरफ से मुड़कर मुझसे पूछा कप्तान पुलिस क्या छुट्टी पर हैं आजकल. अब सच मानिए कप्तान साहब जो थे उन पर इतना पानी पड़ा कि मैं समझता हूँ वो तो मुख्यमंत्री थे लेकिन वो अगर कभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से भी मिलने गए तो सदैव ही यूनिफॉर्म पहन करके गए. उनकी जो जनरल प्रशासक की लाइन थी वो ये कि जिसको हम अंग्रेजों बोलते हैं कि फायर फाइटर, कोई चीज़ को उबलने नहीं देना, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो चाहे वो पार्टी का मामला हो. कहीं चरु उबलने लगे और बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे तो पंडित जी एक ही आदमी ऐसे थे कि जो उसको ठास सकते थे और वो भी कोई बड़ी स्पीड दे के डांट मार फटकार के. कभी उसको गुस्सा होते हुए बोला तो मैंने देखा ही नहीं है. मुझे भी ताजुब होता था कि ये शख्स इतना प्रेशर में रहते हैं, इतना काम करते हैं रात दिन और जब उनकी तबीयत खराब थी तो वो लेट